सो वेलकम बैक टू क्रिकेट मेज। IPL 2021 पर BCCI की तरफ से हम लोग को जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल चुकी है, जहां पर ये कंफर्म हो चुका है कि सभी टीमों को 21 जनवरी तक अपने रिटीन रिलीज प्ले के लिए जारी करनी होगी। जी हाँ, BCCI ने ट्रेडिंग विंडो ओपन कर दी है। अब 21 जनवरी तक ट्रेडिंग विंडो ओपन रहने वाला है और 11 फरवरी को हम लोग को मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पर अब काफ़ी सारे जो टीम्स है वो ट्रेड करने वाली है। काफ़ी सारी टीम्स के ऊपर अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला उन प्लेयर्स के बारे में जिनको टीम ट्रेड करने के लिए आगे कर चुकी है उनके नाम को, इसके अलावा किसके साथ वो ट्रेड करने वाले और क्या ट्रेड के ऊपर अपडेट है सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोर से दबा लीजिएगा। और अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्रिकेट या फिर IPL मैच की प्रेडिक्शन जाननी हो तो आप लोग predicated.com से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले मुंबई इंडियंस की। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो जिन प्लेयर को मुंबई इंडियंस ने इस ट्रेडिंग विंडो के लिए आगे किया है वो है नेथन कुलटरनाइल, क्रिस लिन और धवल कुलकर्णी। अगर हम लोग बात करें ट्रेड के बारे में तो सबसे पहले अपडेट है क्रिस लिन की तरफ से, जहां पर CSK की टीम ने इनको कांटेक्ट किया है और जो CSK की टीम है उनमें हम लोग को क्रिस लिन जाते हुए दिख सकते हैं। मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन स्पिनर को लेने वाली है। जो पीयूष चावला है वो अच्छे ऑप्शन रहने वाले, करण शर्मा को भी वो ले सकती है और CSK के साथ हम लोग को एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम से अमित मिश्रा के ट्रेड की बात भी कर रही है और जो ग्लेन मैक्सवेल है उसकी ट्रेड के ऊपर भी मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ अपडेट निकल के आ रही है, हालांकि इसके ऊपर ऑफिशियल कन्फर्मेशन अभी तक निकल के नहीं आई है। नेक्स्ट टीम है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है SRH की टीम। अगर बात करें SRH के उन प्लेयर्स के बारे में जिनको इन्होंने ट्रेड विंडो के लिए आगे किया है वो है प्रियम गर्ग, इसके अलावा बेसल थम्पी और विजय शंकर को आगे किया गया। अगर बात करें ट्रेड के बारे में तो भुवनेश्वर कुमार के ट्रेड के ऊपर अपडेट निकल के आई थी, लेकिन इस ट्रेड को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जॉनी बेस्टो के ट्रेड के ऊपर अपडेट है और KKR की टीम जो है उन्होंने अप्रोच किया है SRH की टीम को जॉनी बेस्टो के ट्रेड के ऊपर, लेकिन अभी तक SRH की तरफ से इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। जो नेक्स्ट टीम है जिसके ऊपर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वो है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की बात करें तो जिन प्लेयर को KXIP ने ट्रेड विंडो में आगे किया है वो है ग्लेन मैक्सवेल, करुण नायर, मुजीबुर रहमान और गौतम को। अगर बात करें मैक्सवेल के बारे में तो मैक्सवेल के ऊपर बहुत टाइम पहले अपडेट निकल के आई थी, जहां पर दोनों मुंबई इंडियंस की टीम और RCB की टीम ने इनको कॉन्टैक्ट किया है। अभी तक KXIP ने ऑफिशियल फैसला नहीं लिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी खुला हुआ है, देखते हैं कि इसके ऊपर फाइनल कन्फर्मेशन कब तक निकल के आती है। इसके अलावा जो KXIP की लिस्ट थी उसमें जो बहुत ही अच्छा प्लेयर का नाम था वो था करुण नायर और ऑब्वियसली RCB की टीम हो गई, KKR की टीम हो गई और जो CSK की टीम हो गई वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकती है। लेट्स सी इसके ऊपर फर्दर अपडेट्स कब तक निकल के आती है। जो नेक्स्ट टीम है जिसके हमें बात करने वाले हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के ऊपर अपडेट ये है कि वो पार्थी पटेल, डैनियल सैम्स और जो क्रिस वोक्स है उनको आगे किया है ट्रेड विंडो के लिए। इसके अलावा वो दिनेश कार्तिक को ट्रेड करने वाले थे लेकिन KKR ने इस ट्रेड के लिए मना कर दिया है। जो KKR की टीम है उन्हें सामने से अप्रोच किया था अक्षर पटेल के ट्रेड के लिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी इस ट्रेड के लिए मना कर दिया है। वही जो अमित मिश्रा है उसके ट्रेड के बाद मुंबई इंडियंस के साथ चल रही है और जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उसमें शायद धवल कुलकर्णी आ सकते हैं। जो नेक्स्ट टीम है जिसका हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है उन्होंने यशस्वी जायसवाल, इसके अलावा डेविड मिलर और जो एंड्रयू टाई है उनको ट्रेडिंग विंडो के लिए आगे किया है। अगर डेविड मिलर की बात करें तो अभी तक तो किसी भी टीम ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारी टीम जैसे कि SRH की टीम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम और CSK की टीम शायद इनके साथ जा सकती है। इसके अलावा एंड्रयू टाई के ऊपर अपडेट ये कि किंग्स इलेवन पंजाब की जो टीम है उनके साथ बातचीत चल रही है, इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ कि राजस्थान रॉयल्स की टीम है उन्होंने SRH से कॉन्टैक्ट किया है खलील अहमद के ट्रेड के लिए, लेट्स सी इसके ऊपर फाइनल अपडेट कब तक आती है। जो नेक्स्ट टीम है जिसके हम बात करने वाले हैं वो है KKR की टीम, जहां पर KKR की टीम ने जिनको आगे किया है वो है दिनेश कार्तिक, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा और टॉम बेंटन। अगर बात करें ट्रेड प्लेयर्स के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि उन्होंने अक्षर पटेल की मांग की थी दिल्ली कैपिटल्स से, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है और जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उन्हें मना कर दिया है। टीम शेफर्ड के ट्रेड के ऊपर भी अपडेट है, जहां पर CSK की टीम से बातचीत चल रही है और जो KKR की टीम है वही टीम शेफर्ड से बात कर रही है, लेट्स सी इसके ऊपर फाइनल कन्फर्मेशन कब तक निकल के आती है। जो नेक्स्ट टीम है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। अगर RCB की बात करें तो RCB ने कुल 3 प्लेयर्स को ट्रेडिंग विंडो में आगे किया है, एरन फिंच, शिवम दुबे
और महेश यादव। अगर बात करें एरन फिंच की तो एरन फिंच से अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। शिवम दुबे के ऊपर अपडेट यह है कि वो मुंबई इंडियंस की टीम में शायद जा सकते हैं और उमेश यादव के ऊपर अपडेट यह है कि वो शायद तक राजस्थान रॉयल्स की टीम में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्लेयर्स की तो भुवनेश्वर कुमार से बातचीत चल रही थी लेकिन इस ट्रेड को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं मैक्सवेल के साथ भी बातचीत चल रही है। लेट्स सी इसके अलावा फाइनल कन्फर्मेशन कब तक निकल के आती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। अगर बात करें सीएसके टीम के बारे में तो सीएसके ने चार प्लेयर को आगे किया है, केदार जाधव, जॉर्ज हेजलवुड, पीयूष चावला और लुंगी नगेडी। अगर बात करें ट्रेड प्लेयर्स के बारे में तो सीएसके की टीम करेंटली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि वो क्रिस लिन के ट्रेड के ऊपर भी अब बातचीत कर रही है, इसके ऊपर अपडेट मिल सकती है। इसके अलावा केन विलियमसन की तरफ से हिंट निकल के आई थी कि वो शायद सीएसके में ट्रेड हो सकते हैं। वही लुंगी नगेडी के ट्रेड के ऊपर ये अपडेट है कि वो शायद हम लोग को दिल्ली कैपिटल्स की टीम में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थी सभी आठ टीमों के ट्रेड प्लेयर की लिस्ट अभी के लिए। स्टूडियो के लिए मैं तब से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।